देश में खेलों के नाम पर फर्जीवाड़े का बड़ा खेल चल रहा है, जहां खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट से लेकर नौकरी तक के सौदे होते हैं। फर्जी खेल संघ बनाए जाते हैं, कागजों में टूर्नामेंट कराए जाते हैं और नेशनल टूर्नामेंट के नाम पर खिलाड़ियों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा दिए जाते हैं। देश में खेलों के नाम पर किस तरह से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में चल रहा है खेलों का फर्जी कारोबार। खिलाड़ियों से वसूले जाते हैं करोड़ों रुपए, नौकरी के झांसे में दिए जाते हैं फर्जी सर्टिफिकेट। नए नए नाम से बना लिए हैं खेल संघ, स्थानीय स्तर पर करा लिया रजिस्ट्रेशन, खेल मंत्रालय से नहीं है इनकी मान्यता। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र व गुजरात में चल रहा बड़ा खेल। सबसे पहले आप ये सर्टिफिकेट देखिए। इस सर्टिफिकेट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये सर्टिफिकेट सेकंड हैंड होगा। आप खुद चकरा जाएंगे इस सर्टिफिकेट को देखकर। ये सर्टिफिकेट सेकंड टोगा नेशनल गेम्स 2017 का है। हरियाणा के धर्मेंद्र सिंह ने इस टूर्नामेंट में कबड्डी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीतने का दावा किया। इसके आधार पर नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया। अब दूसरा सर्टिफिकेट देखिए, जो थर्ड नेशनल रूरल गेम्स फेडरेशन कप का है। इसमें महाराष्ट्र निशिकांत पाटिल ने दूसरा स्थान हासिल किया और सर्टिफिकेट के आधार पर सेना में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। ये फर्जीवाड़ा तब पकड़ में आया जब सेना में भर्ती के ऑफिस से भारतीय कबड्डी फेडरेशन के पास इन सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए पत्र आया, जिसके जवाब में कबड्डी फेडरेशन ने साफ लिखा है कि इस तरह के कोई भी खेल संघ अस्तित्व में नहीं। इसके बाद जब हमने गूगल पर ट्रेडिशनल ओलंपिक गेम्स एसोसिएशन इंडिया तलाश किया तो किसी तरह की कोई वेबसाइट तो नहीं मिली। हाँ, एक फेसबुक पेज जरूर नजर आया जिस पर लिखा है कि क्लब जिला या फिर राज्य कोऑर्डिनेटर बनने के लिए संपर्क करें। साथ में कुछ मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, यानी कि सौदे के लिए खुला आमंत्रण। लेकिन खेलों का यह फर्जी कारोबार यही नहीं रुकता। हिमाचल के प्रिंस राणा ने भी नेशनल यूथ रूरल गेम्स में पदक जीतने का दावा किया। ये टूर्नामेंट यूथ रूरल गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने करवाया। ये संस्था हरियाणा में सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है ताकि रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर खिलाड़ी फंस जाए। हरियाणा से ही एक और संस्था यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से है। यहाँ से भी युवाओं को सर्टिफिकेट जारी किए गए जो की पूरी तरह से फर्जी। इनका खुलासा भी तब हुआ जब सर्टिफिकेट लेकर खिलाड़ी नौकरी के लिए आवेदन करने पहुंचे, लेकिन संबंधित खेलों की भारतीय फेडरेशन ने इन सर्टिफिकेटों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ ऐसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भारतीय कबड्डी फेडरेशन के पास भी आए। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में होने के कारण मेरे पास विभिन्न विभागों से सर्टिफिकेट्स आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो लड़के वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारी नॉलेज में ऐसा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आए हैं जिनमें के ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जिन संस्थाओं का विश्व में कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक कमेटी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, मैं आपको पेपर्स दे दूंगा। तो ये इस तरीके की संस्थाएं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं भी जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लेती हैं और फिर कोई सा भी गेम कोई भी नाम रख के कर लेती हैं। खेल से खिलवाड़ करने वालों ने स्कूली बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन और स्कूल ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से सर्टिफिकेट छपवा लिए। जानकारों का कहना है कि सर्टिफिकेट खिलाड़ियों और स्टूडेंट से पैसे लेकर उन्हें दिए जाते हैं, इस दावे के साथ किससे उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। इस मामले में जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, उनसे ये सर्टिफिकेट पूरा नहीं खड़ा उतरता है। और फिर भी इन संस्थाओं को हम ये सलाह देते हैं कि आप खेल मंत्रालय की राय भी ले लीजिए इस मामले में, और हमने अपनी तरफ से ये सारा का सारा मामला खेल मंत्रालय के संज्ञान में फोटोकॉपीज भेज करके दे दिया है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब हमारे यहाँ से, मैं सिर्फ अपने खेल की बात कर रहा हूँ, ऐसे और बाकी के खेलों के भी संघ होंगे जो जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है जब उन्होंने खेल नहीं किया है तो वो प्रमाण पत्र को वेरीफाई तो नहीं कर सकते। तो जब उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तब उसको ये पता चलेगा कि वो किस ठगी का शिकार हुआ है। राजस्थान के सीकर में पिछले साल ऐसा ही एक गिरोह पकड़ में आया था जिसने फर्जी टूर्नामेंट करवा के फर्जी सर्टिफिकेट बांटे थे और खिलाड़ियों से बड़ी रकम वसूली थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जयपुर में भी सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के नाम से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और उनको वर्ल्ड कप में खेलने का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इस नाम से कोई भी खेल संस्था, खेल परिषद, खेल विभाग या फिर रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।